सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर इन डिवीजन 1 चैप्टर नंबर 1 माय फादर क्वेश्चन नंबर 3 सी डिड नॉट बी व्हाई नहीं होती थी सी हैड गिफ्ट थ्रू एवरीथिंग उसे कहीं से भी होकर जी मतलब कैसे भी जीना पड़े ओवर एंड ओवर अगेन कितनी भी कठिनाई आए उसके ऊपर व्हाट डज द नरेटर वांट टू टेल हर टेल हियर यहां पर नरेटर क्या बताना चाहता है सी डिड नॉट बी व्हाई नहीं होती थी सी हैड लेफ्ट थ्रू एवरीथिंग उस मतलब उसे कैसे भी जीवित रहना पड़े ओवर एंड ओवर अगेन कितनी भी कठिनाइयां आए इन दी लाइंस द पोएट वांट्स टू टेल इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है दैट हिज मदर इज इन अ ग्रेट डिफिकल्टी उसकी माँ जो है वो एक बहुत बड़ी कठिनाई में है शी विल ब्रिंग आउट रेज इन बॉइलिंग वाटर एंड ले देम ऑन हिज स्टमक वह उबलते हुए पानी में कुछ रेज लेके आएगी और वह उसके पेट पर रख देगी क्वेश्चन नंबर 4 इन स्पाइट ऑफ डार्कनेस सेरसिंग न्यू सेरसिंग जानता था अंधेरे के बावजूद सेरसिंग जानता था दैट ही वाज नियर द सेकंड रिवर कि वह दूसरी नदी के किनारे मतलब नदी के पास में है पिक इट अप फ्रॉम द स्टोरी आंसर इन स्पाइट ऑफ डार्कनेस अंधेरे के बावजूद सेरसिंग न्यू सेरसिंग जानता था दैट ही इज नियर द सेकंड रिवर कि वह दूसरी नदी के पास में है एज जैसे ही वाज अप On the shore, water in his footprints before sinking into sand. मतलब उसने अपने हाथों को पानी में रखा और बालू में डूबने से पहले उसको बाहर निकाल लिया उससे उसको यह पता चल गया कि हम दूसरी नदी के किनारे के पास आ गए होमवर्क में आप नोट करेंगे कंप्लीट वर्क and love you.